तेज और फास्ट खबरों के लिए एक बार फिर स्टार पट्टा में आपके साथ खड़ी हूँ। म्यूजिक डायरेक्टर एस किशन जी हैं, बहुत अच्छे संगीत को सवारे हैं, काफ़ी अच्छे कंपोजिशन के हैं। म्यूजिक डायरेक्शन वेरी गुड और पेंटाली जी फ्रेश हैं इस मूवी को, एक्ट्रेस जी सामने बनाए दिखाए हैं, काफ़ी अच्छे सॉन्ग बनाए हैं और मुझे लगता है कि सॉन्ग हिट होगा, मैं यही कहना चाहता हूँ। गाने बहुत अच्छे बनाए हैं, कंपोजिशन भी अच्छे हैं और गाने बहुत अच्छे बनाए हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो किस प्रकार की कहानी है? और वीडियो एल्बम है। ओके, काफ़ी किस प्रकार की तैयारी चल रही है? अगर तैयारी तो अभी बस गाने रिकॉर्ड हुए, उसके बाद कुछ शूट होगा जी। गाने कैसे के? और सूफी सुरदाना टाइप की गाने मूड डाला था, सूफी रोमांटिक जी। मैडम आप फ्री है? एल्बम मेरी मम्मा है जो प्रिया सिंह सिंगर है, मेरे पापा ने बहुत अच्छे गाने बनाए, दो गाने बनाए, एक है जो सैड सॉन्ग है और एक रोमांटिक है, एक फीमेल सॉन्ग है रोमांटिक और एक सैड सॉन्ग है जो मेल गाता है। तो उस दिन में सेकंड गाना रिकॉर्ड भी हो जाएगा, फिर हमारी शूटिंग हो जाएगी, मैं इसमें लीड कर रही हूँ, दोनों गाने मेरे पे ही फिल्माए जाएंगे। और ये पंकज शर्मा है, पापा जो गाना है वो उनके साथ है मेरा जो सैड सॉन्ग है। ओके पंकज, आप बहुत खुश हो गया उनके साथ और बहुत हैप्पी हूँ, गाना भी काफ़ी अच्छा है, रोमांटिक सॉन्ग है, सैड सॉन्ग भी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। किस प्रकार की तैयारी चल रही है? अगर तैयारी बहुत जोर जबरदस्त चल रही है और काफ़ी क्या कुछ कहानी के बारे में बताया गया, वीडियो के बारे में बताया गया है, वन लाइन सुनाया गया होगा? एक्चुअली गाना तो अभी मैं सिंगर ही गा सकते हैं गाना, मैं तो सिर्फ इसमें रोल कर रहा हूँ, वो गाने को फिल्मा रही है ऊपर उसमें। आशिकी को दीवाने को लगा प्रेम गुरु, वो तो आप लोग पिछले टाइम आके ऑडिशन देखे गए, आज का जो माहौल है इसमें रब्बा इश्क नहीं इश्क क्यों होता है? मतलब तो किस प्रकार के गाने हैं दादा, अगर बात करें रब्बा इश्क, हालांकि सूफियाने भी आप सूफी तो नहीं है, सैड सॉन्ग है पर सूफी टच के ही है। कितने गाने हैं टोटल अगर इस एल्बम की बात करें? छह गाने। तो ये रब्बा इश्क और सेकंड सॉन्ग गाएंगे प्रिया सेन, तो गाना आप जरा मुखड़ा गुनगुना दीजिए एक बार गाइए, अगर आपसे सुनना चाहें। पहले रब्बा नींद नहीं आती मुझको, हर कोई चैन से सोता है, मेरा इश्क में है बुरा हाल है, कम वक्त इश्क क्यों होता है, जो आजकल चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कम्बक मुझे करो यार, मुझे चल रहा है, अभी मैं गाऊंगी, मेरे गाने का जो बोल होगा वो मैं दो मैं वैसे बोल बोल मतलब सुनाती हूँ। फैयाद भाई जरा पीछे हो ना, एक बार पीछे हो, जैसे जा रहे हो तारों के जैसे चाहे आसमान, उसके ऊपर मेरा गाना होगा। तो दादा से कैसे कर, ये पिक्चर है फिल्म है, तो गाना गाई हूँ, बाकी हम बंगाली में भी गाना गाई है, इसमें भी बाकी तो बहुत सारे गाना ऐसे गाई हूँ, मार्केती कुमार सर के साथ भी गाई हूँ, तो एस पी सिंह बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर है, मतलब इनके गाना मुझे जमता है। जी 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 एस पी सिंह बहुत अच्छे से पूजा होता है, तालाब के किनारे पूजा होती है, बस उसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छी तरह बीते गए साल, फिर अगले साल फिर जल्दी आए ये पूजा और सबके घर में सुख शांति बस हो। और ये इस एल्बम मुझे इन्होंने गाया भी बहुत अच्छा कुमार सपन ने, बस बाकी उन्होंने कोशिश की है, बाकी आप जो आगे बढ़ाएंगे इसको तो हिट हो जाएगा। ओके विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। समय समय पर कुछ ऑडियो वीडियो सब देखा है, तो पूरी टीम को हृदय से बधाई, और ये कि इन्होंने प्रश्वाचक चिन्ह बड़ा अच्छा खड़ा किया है।
प्रेम पर सब बात करते हैं, लेकिन ये प्रेम की जड़ में गए और इन्होंने जानने का प्रयास किया आखिर प्रेम क्यों होता है। तो ये एक सस्पेंस और मजेदार बात है, तो देखने के बाद आपको ज्ञान होगा, प्राप्त होगा कि प्रेम क्यों होता है। और इस पर बहुत अच्छे सुरों के साथ में सपन कुमार जी ने गाया है और भाई ने बहुत अच्छा गीत लिखा है। सभी को हृदय से धन्यवाद। समस्त ग्रुप की प्रगति, प्रशस्ति, यश, कीर्ति, सुख संपदा, धन धान वैभव, स्वास्थ्य लाभ बना रहे और आप सबको भी हमारी ओर से आशीर्वाद हृदय से बारंबार। बहुत अच्छा काम हो रहा है और आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको पसंद भी आए। क्या क्या अगर गाने की बताया जा रहा है, ये जो एल्बम बन रहा है उसी के ऊपर हम लोग मतलब हम लोग ये भी ताकि दर्शकों को पसंद आए और पंताली जी उस पर काम कर रहे हैं, पंकज जी काम कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में ध्यान में रख के आपने देखा कि आपके पहले ऑलरेडी आपके